नमस्कार, मैं नितिशन। बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने तीन ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो हथियार के बल पर लूट की वारदातों को अंजाम दिया करते थे, जिसके चलते बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपियों के पास से धारदार हथियार, एक पिस्टल, जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर रोहिणी सेक्टर 24 के पास ट्रैप लगाकर तीन कुख्यात झपटमारों को गिरफ्तार किया है। बता दें, राजधानी दिल्ली में हथियार के बल पर लूट की वारदातों में काफ़ी इजाफा हो रहा है। इसको लेकर बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने मुखबिर खास की सूचना पर इलाके में लूटपाट व स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 7 मोबाइल फ़ोन व 2 बाइकें व आरोपियों के पास से एक तेज़ धारदार हथियार, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। बता दें, आरोपियों के खिलाफ दर्जन भर के करीब आपराधिक मामले दर्ज हैं और आरोपी बेल पर आने के बाद इलाके सहित राजधानी दिल्ली के किसी भी इलाके में लूटपाट व स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते थे। लेकिन अब की बार बेगमपुर थाना पुलिस की टीम ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है और इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बहरहाल, गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के लिए भेज दिया गया है। दिल्ली से नीति सैन के साथ असल न्यूज़ के लिए प्रदीप उज्जैन की रिपोर्ट।